नमस्कार, लाइव सिटीज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। बिहार में शिक्षक अभ्यर्थी सड़क पर उतरा है। डोमिसाइल नीति जिस तरीके से हटाया गया है, इसको लेकर विरोध हो रहा है, लाठियां भी खा रहे हैं। देखिए, इसको लेकर अब नीतीश कुमार के जो MLC हैं संजीव सिंह, वो शिक्षक अभ्यर्थियों के समर्थन में उतरा है। कह रहे हैं कि बार बार जो इस नीति में संशोधन हो रहा है, सरकार को एक बार जरूर सोचना चाहिए। क्या कुछ कह रहे हैं जदयू MLC संजीव सिंह, सुनिए। बिहार शिक्षा के अभ्यर्थी को लेकर जो नया कानून आया, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ये जो कानून आया है उसमें बिहार के अभ्यर्थियों के हाथ तो निराशा लगी है, और निश्चित रूप से इस जो बिहार अध्यापक नियुक्ति नियमावली में जो बार बार संशोधन हो रहा है, संशोधन के क्रम में जो ये खास करके डोमिसाइल वाला हुआ है, और उसके पूर्व जो नियोजित शिक्षकों को राज्य कर्मी का दर्जा पाने के लिए जो परीक्षा का शर्त है, उसके लिए ये गलत हुआ है। कहीं ना कहीं सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। हम लोग बराबर आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से भी मांग कर रहे हैं, जो कि बिहार के अभ्यर्थियों के हित में और वर्ष 2006 से 2020 तक के जितने भी नियोजन इकाई द्वारा नियुक्त शिक्षक हैं, उनके लिए सीधी नियुक्ति के प्रावधान किया जाए, उसके बाद फिर जो है उसके बाद ऐसा किया जाए। क्योंकि BPSC के द्वारा परीक्षा इतने इतने शिक्षकों का संभव ही नहीं है। मुझे तो नहीं लगता है कि इतने शिक्षकों की नियुक्ति हो सकेगी इस समय से। बाहरी भी इसमें शामिल हो, परीक्षा हो जाएगी बिहार में, निश्चित रूप से प्रभाव पड़ेगा। जनरल कोटी के अभ्यर्थी के लिए तो एक ये वज्रपात के समान है, चूँकि वो सीधे सामान्य कोटी में चले आएंगे। बिहार के अभ्यर्थियों की हकमारी होगी और प्रतिस्पर्धा ज्यादा होगा, प्रतिस्पर्धा तो इसलिए निराशा भी है, क्योंकि जो सरकार सोच करके चल रही थी, अभ्यर्थी भी वही सोच रहे थे, लेकिन बीच में ये जो डोमिसाइल वाला अचानक सा हुआ, तो सभी के हाथ में निराशा लगी है। और मुझे लगता है सरकार देर सवेर इसको मानेगी निश्चित रूप से, क्योंकि सारे संघ संगठन, सारे शिक्षक, सारे अभ्यर्थी, उनके अभिभावक इसमें कहीं न कहीं आंदोलित है। आंदोलन कर रहे थे पटना में, लाठीचार्ज कल हुआ, कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, इसको तो हम तो नहीं देखे हैं, लेकिन ये मीडिया में जरूर देखे हैं, लाठीचार्ज हुआ है। आंदोलन जब भी होना चाहिए, शांतिपूर्ण होना चाहिए। अगर लाठीचार्ज बेवजह हुआ है तो ये गलत है, लेकिन अपने हक के मांग के लिए धरना तो दे ही सकते हैं। अगर शांतिपूर्ण धरना दे रहे हैं तब लाठीचार्ज हुआ है तो ये गलत है, क्योंकि ये तो संवैधानिक अधिकार है कि हम अपनी मांग करें, अपनी हकमारी के खिलाफ बोले। तो आपने सुना कि जदयू MLC संजीव सिंह इसको लेकर क्या कुछ कह रहे थे। उन्होंने साफ तौर से कहा है कि देखिए, बार बार इस नए शिक्षक नियमावली में संशोधन हो रहा है और सरकार को भी सोचना चाहिए, और खास करके ये जो डोमिसाइल नीति है इसको लेकर, और वही जो नियोजित शिक्षक हैं उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा मिले, उसके लिए उन्हें एग्जाम देना है, तो ये कहीं से भी उनके लिए सही नहीं है। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, फेसबुक पेज को लाइक कर दें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।